दोस्तों 80 से 90 के दशक में हिंदी सिनेमा में कई अभिनेत्रियों ने अपनी एक्टिंग के जलवे बिखेरे और अपनी मॉडलिंग की दुनिया से निकलकर एक्टिंग की दुनिया में आकर अपनी अलग पहचान बनाई। उन्हीं सभी अदाकाराओं में से एक नाम शामिल है मिस इंडिया का ताज पहन चुकी बॉलीवुड की बेहद खूबसूरत और नामचीन अदाकारा सोनू वालिया का, जिन्होंने अपने बोल्ड सीन्स और ग्लैमर अंदाज से हिंदी सिनेमा में अपनी गहरी छाप छोड़ी। जी हाँ दोस्तों, सोनू वालिया बॉलीवुड की बेहद खूबसूरत अदाकाराओं में से एक रहीं। भले ही हिंदी सिनेमा में उनका कार्यकाल बहुत ही थोड़े समय का रहा, लेकिन उन्होंने उस कम समय में भी अपना बेहद सुंदर परफॉर्मेंस दिया और लोगों के दिलों पर राज किया। बता दें कि सोनू को खून भरी मांग, आकर्षण और हातिम ताई जैसी सफल फिल्मों के लिए जाना जाता है। सोनू बड़े पर्दे के अलावा छोटे पर्दे पर भी नजर आ चुकी हैं। इसके अलावा इन्होंने फिल्म बनाने में भी दिलचस्पी दिखाई, लेकिन सोनू बेहद टैलेंटेड और खूबसूरत होने के बावजूद भी हिंदी सिनेमा में वो मुकाम हासिल न कर सकी जो वह कर सकती थी। कहा जाता है कि उनका करियर हिंदी सिनेमा के तीन खान की वजह से खत्म हो गया, लेकिन यह तीन खान कौन है और इनकी वजह से कैसे सोनू का करियर खराब हुआ, यह हम आपको अपने इस वीडियो में बताएंगे। सोनू वालिया के फैंस जानना चाहते हैं कि सोनू अचानक से हिंदी सिनेमा से दूर क्यों हो गई और इस समय वो कहाँ है और क्या करती हैं। तो दोस्तों आज हमारी इस वीडियो में सोनू वालिया के प्रारंभिक जीवन से लेकर उनके करियर और आज के जीवन की तमाम जानकारी हम आपको देंगे। बात करें सोनू वालिया के प्रारंभिक जीवन की, तो सोनू का जन्म 19 फरवरी 1964 को दिल्ली के पंजाबी भाषी वालिया परिवार में हुआ था। उनके पिता भारतीय सेना में अधिकारी थे। वह पत्रकारिता की छात्रा रह चुकी हैं और मनोविज्ञान से स्नातक किया है। इनके जन्म का नाम सोनिया था, लेकिन सब उन्हें सोनू सोनू कहकर बुलाते थे, इसलिए वह इसी नाम से प्रसिद्ध हो गईं। इनके पिता चाहते थे कि उनकी बेटी सेल्फ डिपेंडेंट बने और अपने दम पर कुछ हासिल करे, जिसके चलते उन्होंने मॉडलिंग करने का फैसला किया और फिल्मों में अपना करियर बनाया। सन 1985 में इनको मिस इंडिया का ताज पहनाया गया था। उन्होंने बॉलीवुड फिल्म अभिनेत्री जूही चावला से पदभार संभाला और मिस वर्ल्ड 1985 में प्रतिस्पर्धा करने के लिए चली गईं। अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने के बाद उन्होंने 1986 में मिस इंडिया का खिताब जीता और मॉडल मेहर जेसिया को अपना ताज पहना दिया। मिस इंडिया का ताज पहनने के बाद सोनू ने बॉलीवुड फिल्मों में इंटरेस्ट दिखाया और कई फिल्में साइन भी की। हिंदी सिनेमा में इनकी पहली फिल्म आकर्षण थी, जो सन 1988 में रिलीज हुई। फिल्म के डायरेक्टर तनवीर अहमद थे। साथ ही सोनू के अपोजिट फिल्म में अभिनेता अकबर खान नजर आए। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बहुत ही बुरी तरह से फ्लॉप हुई, लेकिन इस फिल्म में इनके बोल्ड सीन्स को देखकर फिल्म इंडस्ट्री में तहलका मच गया था। उन्होंने ऐसे कई सीन्स दिए थे जो उस दौर के अभिनेत्रियों के लिए करना बेहद मुश्किल था, पर इस फिल्म के बाद भी उन्हें कई फिल्मों के ऑफर आए, जिसमें सोनू ने बॉलीवुड फिल्मों में मुख्य भूमिका के साथ राकेश रोशन की फिल्म खून भरी मांग में नकारात्मक भूमिका भी निभाई। इस फिल्म ने उन्हें बहुत पहचान दिलाई। फिल्म खून भरी मांग के लिए उन्होंने सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का फिल्म फेयर पुरस्कार भी जीता। फिल्म में सोनू के साथ अभिनेत्री रेखा और कबीर बेदी ने भी अभिनय किया। सन 1989 में सोनू प्रदीप हुड्डा द्वारा निर्देशित हिंदी फिल्म अपना देश पराए लोग में नजर आईं, जिसमें सोनू के साथ सुमित सहगल, मुनमुन सेन, सुरेश ओबराय, ओम शिवपुरी और सदाशिव अमरापुरकर जैसे कलाकार मौजूद रहे। फिल्म में इनके किरदार को दर्शकों द्वारा बेहद पसंद किया गया। इसके बाद सोनू सन 1990 में प्रदर्शित और बाबू भाई मिस्त्री द्वारा निर्मित फिल्म हातिम ताई में नजर आई, जिसमें इनके साथ बॉलीवुड के दिग्गज कलाकार जितेंद्र, सतीश शाह और अमरीश पुरी मुख्य भूमिका में मौजूद थे। इसकी कहानी फेमस अरबी कवि हातिम अल ताई की जीवन गाथा पर आधारित थी, जिसमें सोनू ने सहायक अभिनेत्री का किरदार निभाया और दर्शकों का दिल जीता। तत्पश्चात वो सन 1994 की फिल्म स्वर्ग जैसा घर में दिखाई दी। यह फिल्म पारिवारिक फिल्म थी। फिल्म का निर्देशन स्वरूप कुमार ने किया है और इसका निर्माण महमूद नजीर ने किया। ये फिल्म दर्शकों द्वारा बेहद पसंद की गई। इस फिल्म में सोनू के अलावा राज बब्बर, आसिफ शेख, सुमित सहगल, सोनम, अनीता राज जैसे कलाकार मौजूद रहे। इसके अलावा इन्होंने खेल, प्रतिकार, निश्चय, दिलाशना है, नंबरी आदमी, तहलका, शाहिबान, तेजा, अग्निकाल, फौजी जीवनदाता नाम की फिल्मों में काम किया। हालांकि फिल्म खून भरी मांग के बाद सोनू को किसी भी फिल्म में वो सफलता वो नाम हासिल नहीं हुआ, जिसके चलते धीरे धीरे उनका करियर डाउन हो गया। कहा जाता है कि सोनू की हाइट उस दौर की अभिनेताओं सलमान खान, शाहरुख खान और आमिर खान से ज्यादा थी, जिसके चलते उन्हें हिंदी सिनेमा में काम मिलना काफी मुश्किल हो रहा था।
जिसके चलते उन्होंने छोटे पर्दे पर अपना लक आजमाने का सोचा और 1997 में उन्होंने पौराणिक शो महाभारत कथा में महारानी चित्रांगदा की भूमिका निभाई। साथ ही उन्होंने उसी वर्ष एक टीवी धारावाहिक बेताल पचीसी में भी अभिनय किया, जिसके लिए उन्होंने अपने प्रशंसकों से खूब वाहवाही लूटी। इसके अलावा डिटेक्टिव करण, अर्धांगनी, मिस्टर मिंटू, साहिल, महाशक्ति जैसे टीवी शोज में वो नजर आई, लेकिन यहाँ भी उन्हें निराशा ही मिली। इसके बाद उन्होंने साउथ की फिल्मों में भी अपनी रुचि दिखाई, लेकिन बस कुछ खास मुकाम हासिल नहीं कर पाई। इसके बाद सोनू वालिया ने रोहित बख्शी, कृति कुल्हारी और सुजैन मुखर्जी के अलावा अपने बहनोई विनित शर्मा के साथ जोगिया रॉक्स नाम की फिल्म का सहनिर्माण किया। यह एक छोटे शहर के लड़के की संगीतमय प्रेम कहानी है जो आगे चलकर रॉकस्टार बन जाता है, लेकिन फिल्म को कुछ खास रिस्पॉन्स नहीं मिला। अपने करियर के दिनों में सोनू का नाम कबीर बेदी के साथ जुड़ा था। सुनने में आया था कि दोनों ने सगाई भी कर ली थी, लेकिन किसी कारण से दोनों का रिश्ता टूट गया और दोनों ने अपनी अलग अलग राह चुन ली। बात करें इनके पारिवारिक जीवन की तो इनके पिता मेजर सतेंद्र वालिया एक आर्मी ऑफिसर थे। इसके विपरीत सोनू की माँ का नाम सतेंद्र कौर वालिया है, जो एक कुशल गृहिणी है। साथ ही इनकी एक बहन भी है जिसका नाम मोनू वालिया है। सोनू वालिया ने 1995 में पुणे में एक शांत समारोह में अमेरिका के एक होटल व्यवसायी प्रताप सिंह से शादी कर ली। उनके साथ संयुक्त राज्य अमेरिका स्थानांतरित हो गईं। शादी के बाद भी सोनू ने एक दो फिल्मों में काम किया। सोनू की शादीशुदा जिंदगी काफी अच्छी चल रही थी, लेकिन अचानक उनके पति की तबीयत बेहद खराब हो गई और सन 2009 में किडनी फेल होने के कारण उनके पति का निधन हो गया। बता दें कि उनके पति प्रताप ने कुछ दक्षिण भारतीय फिल्मों में अभिनय किया और उनका निर्माण किया और दक्षिण भारतीय फिल्मों के लिए अपना नाम बदलकर सूर्य प्रताप सिंह कर लिया। पति की मौत के बाद सोनू ने अपनी जिंदगी के कुछ वर्ष अमेरिका में ही बिताए और उसके बाद अपनी बहन मोनू वालिया के पास इंडिया वापस आ गईं। बता दें कि सोनू और उनके हस्बैंड प्रताप सिंह की कोई संतान नहीं है, लेकिन सोनू की बहन मोनू वालिया की बेटी मायरा लोखंडे उनकी बेटी की तरह हैं, जो बिल्कुल सोनू वालिया की तरह ही दिखती हैं। कई लोग तो मायरा को सोनू वालिया की ही बेटी समझते हैं। मोनू के पति का नाम विनित शर्मा है, जो कि पेशे से एक राइटर और प्रोड्यूसर हैं। साथ ही इनके दो बेटे भी हैं, जिनके नाम कबीर शर्मा और अंश शर्मा हैं। इन दिनों सोनू मुंबई में रहती हैं और अच्छा काम मिलने पर एक्टिंग में भी दिलचस्पी रखती हैं। इनको बॉलीवुड की दुनिया में सबसे खूबसूरत, कम रेटिंग वाली और दिलचस्प अभिनेत्रियों में से एक के रूप में याद किया जाता है। वो अक्सर प्रिंट और रैंप अभियानों में दिखाई देती हैं। इनकी खूबसूरती आज भी देखने जैसी है। इस उम्र में भी उन्होंने खुद को काफी मेंटेन करके रखा है। हिंदी सिनेमा में उनकी खूबसूरती के चर्चे आज भी होते हैं। हम आशा करते हैं कि जल्दी ही सोनू बड़े पर्दे पर हमें देखने को मिले। तो दोस्तों, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करें, और अपने पसंदीदा एक्ट्रेस और एक्टर के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।